dear students, welcome to Erudite School of Learning. And this will be your most probably the last lecture in the series of basic mathematics. From our past few classes, we have learned a lot about basic arithmetic operations. And from our sixth class, our last classes, we were just doing division, and division. Okay? So I hope many of your doubts and concepts would have been cleared and you can now approach to these kind of questions very confidently. Okay, so today also we'll take some example of division only, but this time the divisor will be of two digits. Okay, as you can see in this example, the divisor is of two digits. Okay, so what matters is you should know the rules of division and basic arithmetic operation, then you can solve like kind of any digit number with any kind of format. Okay, so you should have your concepts clear. Okay, now what happened with this, actually this lecture, I'm just actually reshooting it because of some interruption. ठीक है बच्चों, कुछ इंटरप्शन हो गया था इसलिए मैंने ये लेक्चर फिर से शुरू कर रहा हूँ. सो दैट्स वाई ये आपको सॉल्व दिख रहा है ना लिटिल बिट. सो कोई बात नहीं, अगेन वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट. ठीक है, और बाकी तो हम साथ में सॉल्व करेंगे ही करेंगे. ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, पहले क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है हमारा 9999 और डिवाइजर क्या है 11. ठीक है, हमको बस डिवीजन के रूल्स पता होने चाहिए. ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो या यहाँ पे कितने बड़े नंबर हो, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बस हमें रूल्स पता होने चाहिए, कब ज़ीरो लगाना है, कितने नंबर हमको लेने हैं, कितने डिजिट हमको चाहिए. ठीक है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है और हमें डिवीजन के रूल्स पता होने चाहिए. नाउ सबसे पहले हम पहला डिजिट देखते हैं, क्या ये इससे छोटा है. जैसे ये डिजिट इससे छोटा आता है तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, ऊपर ज़ीरो लगाना. लेकिन पहली स्टेप में आप कितने भी ज़ीरो लगाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ज़ीरो काउंट नहीं होते हैं. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाते हैं, स्किप करते हैं और डायरेक्ट हम फिर देखते हैं दो नंबर को देख के कि क्या इससे बड़ा हो रहा है. जी हाँ, 9 तो इससे बड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन 99 इससे बड़ा हो रहा है. इसका मतलब अब हम 11 की टेबल बोल सकते हैं. 11 की टेबल बहुत ईजी है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, यू ऑल शुड नो नाउ. सो हम सभी को पता होना चाहिए कि 11 9 99 होता है. ठीक है, सो क्योंकि 11 9 99 होता है, सो वी काउंट द टेबल ऑफ 11 टिल 9 टाइम्स ओनली. ठीक है, सो 11 9 99. ठीक है, 9 टाइम्स से हमने काउंट किया तो 99 आ गया हमारा. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, मतलब 11 9 99, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर ये लाइन ड्रॉ करके फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. और हमको पता है सेम में से सेम नंबर माइनस होगा तो क्या आएगा, ज़ीरो. 9 में से 9 चला गया, कितना बचा, ज़ीरो. अगेन 9 में से 9 चला गया, कितना बचा, ज़ीरो बचा. ठीक है, अब एक स्टेप में हमको एक ही डिजिट मिलता है. ठीक है, तो ज़ीरो सब्ट्रैक्शन के बाद हमने एक डिजिट को नीचे उतारा पहले, तो क्या आया हमारे पास, 9. ठीक है, लेकिन हमने देखा कि 9 अभी भी 11 से छोटा है, हमें एक और डिजिट चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब जब यहाँ पे डिवाइज़र इससे छोटा बनता है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, ज़ीरो. तो हमारा जब एक डिजिट उतारने के बाद डिवाइज़र से छोटा फॉर्मेशन बना तो हमने क्या लगा दिया, ऊपर ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो लगाने के बाद हमको ये परमिशन मिलती है कि हम एक डिजिट अगर है तो नीचे उसको ले सकते हैं. तो यहाँ पर है इसलिए हम नीचे ले लेंगे. ठीक है, अब देखो क्या ये इससे बड़ा हो रहा है डिवाइज़र से, जी हाँ. तो मतलब अब ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर से हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, 99 फॉर्म हुआ. तो हम क्या करेंगे, टेबल बोलेंगे 11 की, कि या तो 99 आ जाए या फिर 99 से जस्ट छोटा नंबर पास वाला हम लिख देंगे. ठीक है, सो अगेन विल काउंट. अभी हमको पता है कि 11 9 99 अभी हमने किया था, सो वी अगेन काउंट 11 टेबल ऑफ 11 9 टाइम्स. सो 11 9 99. ठीक है, उसके बाद जो हमारा बेसिक है, हमें पता है कि माइनस करते हैं. ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम सभी सीख चुके हैं. तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, फिर 9 में से 9 जाएगा तो 0. ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन कितना आया हमारा, 909, और रिमाइंडर कितना आया, 0. बच्चों बस आपको ये पता होना चाहिए डिवीजन के रूल्स में कि हम एक स्टेप में हमको एक ही डिजिट मिलता है. अगर वो डिजिट जो नीचे उतारते हैं एक, उसके बाद अगर डिवाइज़र से छोटा होता है वो जो नंबर बनता है, तो हम क्या करते हैं, एक ज़ीरो ऊपर लगाते हैं.
जीरो लगाना ही है, चाहे आगे कोई डिजिट हो या ना हो, ठीक है। जीरो लगाने के बाद आपको ये परमिशन मिल जाती है कि आप जो है अगर दूसरा डिजिट है उसके पास में तो उसको नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन, दिस इज़ आवर रिमाइंडर, ठीक है। हम ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेंगे आज, ठीक है। नाउ अगेन दिस टाइम फिर से हमें क्या करना है, 12 की टेबल बोलनी है, लेकिन पहला डिजिट 1 इससे छोटा है, ठीक है। तो पहली स्टेप में हम कितने डिजिट ले सकते हैं, जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम 11 लेके देखते हैं, लेकिन 11 भी 12 से छोटा हो गया, ठीक है। फिर हम 119 लेके देखते हैं, ठीक है, तब ये 12 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। 11 तक बड़ा नहीं हो रहा था इसलिए हमने 119 एक और डिजिट लेना पड़ा, ठीक है। अगर दो नंबर दो डिजिट लेने से ही आपका काम हो जाता है तो आपको दो डिजिट में ही करना है, लेकिन हमने दो डिजिट कंसीडर किए उसके बाद भी 12 से छोटा आ रहा था, ठीक है। तो डिवाइजर से छोटा आ रहा था इसलिए हमने क्या करा, तीन डिजिट लिए। अब तीन डिजिट मतलब हमें 119 मतलब 12 की टेबल कब तक बोलनी है, 119 तक। या तो 119 इसके टेबल में आ जाए, और नहीं आता है तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे जस्ट छोटा वाला नंबर हम लेंगे, ठीक है। सो टेबल ऑफ 12 यू शुड नो, तो हमें कहाँ तक बोलनी है टेबल, 119 तक। सो लेट्स काउंट, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 जब 108, 12 10 जब 120। लेकिन रुको, 120 तो 119 से ज़्यादा होता है, तो 120 तो हम ले नहीं सकते, तो इससे जस्ट पहले वाला हमको लेना है, ठीक है। जब ये बड़ा हो रहा होता है उसके जस्ट पहले वाला, इससे जस्ट पास वाला छोटा नंबर हम लेते हैं, तो वो कौन सा नंबर हुआ, 108। ये कितनी टाइम्स आया, 9 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 12 9 जा 108। बच्चों जब ये ऐसे क्वेश्चंस आप खुद के हाथों से करोगे, आपके खुद के दिमाग को आप समझाओगे, तो आपको और बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत इजी था, हमको बस कंसेप्ट क्या पता था कि इसके बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे जस्ट छोटा या इसके बराबर नंबर हमें लिखना होता है। तो बराबर तो आ नहीं सकता, 12 की टेबल में 119 आता ही नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा वाला हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 9 में से 8 गया तो 1, सब्ट्रैक्शन आप सभी को आना चाहिए। काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 8 के बाद से, कहाँ तक बोलेंगे, 9 तक, ठीक है। तो 8 के बाद क्या आता है, 9, और 9 तक ही बोलनी थी, मतलब एक ही लाइन में हमारा आंसर आ गया, तो ये कितनी लाइन्स हुई टोटल, 1, तो 9 में से 8 गया 1, ठीक है। फिर हम 1 में से 0 गया, 1 में से कुछ भी नहीं गया, मतलब 1 ही बचा, ठीक है, और इस तरफ 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब एक स्टेप में हम एक डिजिट ही नीचे उतार सकते हैं, तो लेट्स पुल दिस टू ओवर हियर, ठीक है। हमें एक डिजिट मिल गया है जो फ्री वाला हमको मिलता है, तो हम देखते हैं अब जो नंबर फॉर्म हुआ है क्या वो इससे बड़ा है डिवाइज़र से। तो डिवाइज़र में कौन है, 12, 12 से बड़ा है 112, तो हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 12 की टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगेन विल काउंट टेबल ऑफ 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। अगेन 120 112 से बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, जस्ट पहले वाला नंबर लेंगे, जहाँ पे बड़ा होता है ना बच्चों उससे जस्ट पहले वाला नंबर लिखते हैं। बड़ा कब जाके हुआ, 108 तक तो छोटा था, 108 तक तो क्या था, 108 112 से छोटा था, ठीक है। और जैसे हम 12 10 जा 120 किया तो इससे बड़ा हो गया, तो 12 10 जा नहीं लेके हम क्या लेंगे, 12 9 जा लेंगे, ठीक है। सो 12 9 जा अगेन विल टेक 12 9 टाइम्स 108, ठीक है। 108 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नाउ हमको पता है कि 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो क्या है, छोटा है, तो 2 क्या बोलेगा 1 को, प्लीज़ गिव मी 1। तो 1 से अगर हम 1 ले लेंगे तो 1 के पास कितना रह जाएगा, 0, और 2 के पास 110 आ जाएगा, तो 2 कितना बन जाएगा, 12, 2 के आगे बस 1 लगा दिया। अब हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि 12 में से 8 माइनस हो सकता है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 8 के बाद से, और कहाँ तक बोलेंगे, 12 तक। सो लेट्स काउंट आफ्टर 8, 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12, आ गया 12, कहाँ आया, यहाँ पे, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई, 1 2 3 4,
ठीक है। सो 12 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 4 आया। अब ये क्या बन गया था, 0, और 0 में से 0 गया, मतलब कुछ में से कुछ भी नहीं, में से कुछ भी नहीं गया, तो 0 ही बचेगा, ठीक है। और इसके पास क्या है, 1, और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। आप और बच्चों दूर दूर लिखना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। जितना दूर दूर आप लिखेंगे, अच्छे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो उतना ही क्लियर आपका डिवीजन होता जाएगा और मिस्टेक करने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अब इसको माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिजिट उतार सकते हैं, नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 0, तो 0 को नीचे उतारेंगे और उतार के देखते हैं कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, 40। क्या 40 12 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, मतलब ऊपर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 की टेबल बोल सकते हैं, तो कितने टाइम्स बोलेंगे, 40 या 40 से कम, ठीक है। अगर 40 टेबल में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पास वाला जो छोटा नंबर होगा उसी को लिख देंगे, ठीक है। सो लेट्स काउंट टेबल ऑफ 12, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, लेकिन 48 तो 40 से बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे, 48 ना लेके हम क्या लेंगे, 12 थ्री जा 36। बच्चों आपको साथ में अपना दिमाग भी चलाना है, ठीक है, केवल वीडियो देखना नहीं है, आपको साथ में काउंट करना है और ख़ुद से पहले अपने माइंड में सोचना है कि 12 थ्री जा 36 आएगा, ठीक है, पहले आंसर देना है। नाउ 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा तक क्यों नहीं बोला, क्योंकि 48 तो 40 से बड़ा हो जाता है ना, तो माइनस कैसे करते हैं, तो इससे जस्ट छोटा वाला हमने लिया, 12 थ्री जा 36, क्योंकि 40 तो टेबल में आया ही नहीं। नाउ अब क्या करते हैं हम, माइनस, फिर से सब्ट्रैक्शन, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, तो 0 किससे लेगा, 4 से, तो 4 के पास अगर 4 में से 1 चला जाएगा तो 4 के पास कितने रह जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। सो इसके पास तो 3 रह गया और 0 क्या बन जाएगा अब, 10, ठीक है। अब हमें 10 में से 6 माइनस करना है, ठीक है, मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, 6 के बाद से, और कहाँ तक बोलनी है, 10 तक। सो लेट्स काउंट आफ्टर 6, 7, 6 के बाद क्या आता है, 7, 8, 9, 10, आ गया 10, कहाँ पे आया, इस लाइन पे, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 हो गई। सो 10 माइनस 6 हमारा कितना आया, 4 आया, ठीक है। 3 में से 3 गया तो 0, ठीक है। क्या आपको नेक्स्ट डिजिट है, नहीं है, तो यही हमारा रिमाइंडर होगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 993। सो फाइनल क्वेश्चन विल बी 993 एंड रिमाइंडर विल बी 4, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस बार हमें किसकी टेबल बोलनी, वेरी इजी, 10 की टेबल बहुत इजी है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला नंबर लेना, लेकिन पहला नंबर डिवाइजर से छोटा है इसलिए हम 0 लगाएंगे, लेकिन पहले स्टेप में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज लेफ्ट वाले 0 काउंट नहीं होते हैं। अब हम दो नंबर लेते हैं, क्या अब 10 से बड़ा हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, 60 10 से बड़ा है, तो हम 60 को लेंगे, मतलब अब हम टेबल 10 की बोल सकते हैं, और हम सभी को 10 की टेबल आनी चाहिए, 10 6 जा 60 होता है, बहुत ईजी है, ठीक है। 0 में से 0 गया, 0, 6 में से 6 गया, 0। नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा जो नीचे हम उतार सकते हैं फ्री में, 0। एक डिजिट को नीचे उतारने के बाद अब जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो डिवाइजर से बड़ा है या छोटा है, ये जो नंबर इससे छोटा है तो हमको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा, एक 0 ऊपर लगाना है। एक डिजिट नीचे उतारने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर फॉर्म हुआ है टोटल वो क्या हुआ है, इससे छोटा हुआ है, 0 10 से छोटा है, ठीक है, इसलिए हमने एक 0 लगा दिया। अगेन 0 लगा दिया तो अब आपको ये है कि अगर आपके पास में कोई डिजिट है तो उसको आप नीचे उतार सकते हो, तो यहाँ पर है तो उसको हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने 1 को नीचे लिया, ठीक है, और अब देखते हैं क्या अब ये इससे बड़ा हुआ, 10 की टेबल हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो फिर से हमें एक 0 लगाना है। जब जब नीचे उतारने के जस्ट बाद में ये नंबर छोटा होगा इससे हमें 0 लगाना ही पड़ेगा, फिर ये 0, ये पनिशमेंट, ये फीस भरने के बाद अगर आपके पास कोई पास में एक और डिजिट है तो उसको हम नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसके पास एक और डिजिट है, जी हाँ है, तो उसको हम नीचे उतार लेते हैं, 10।
अब देखो क्या ये इससे छोटा रहा, नहीं इक्वल है, टेन टेन इक्वल है, तो इक्वल हो या बड़ा हो तो ज़ीरो नहीं लगाते हैं, अगर छोटा हो नंबर नीचे उतारने के बाद तो फिर हमको ज़ीरो लगाना ही है, तो अब हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम टेबल बोल सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे नाइन फॉर्म होता या एट फॉर्म होता तो फिर हम ज़ीरो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। सो नाउ हमको पता है टेन की टेबल में टेन कब आता है, वन टाइम, तो टेन वन जा टेन। बच्चों स्पेशली ये लास्ट के दो क्वेश्चन आप खुद के हाथों से ज़रूर कीजिएगा जिनको नहीं आते हैं डिवीज़न अच्छे से अभी तक, ठीक है, क्योंकि आप जब खुद के हाथों से करोगे अपने दिमाग को समझाओगे कि मैंने एक डिजिट नीचे उतारा तो भी इससे छोटा था इसलिए मैंने ऊपर एक ज़ीरो लगाना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसमें कई बच्चे गलतियाँ करते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। बार बार इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए और देखिए सर ने ज़ीरो क्यों लगाया है, ठीक है। एक और ऐसा एग्जांपल अभी हम लेंगे इसी को समझने के लिए, ठीक है। अब देखो कोई नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास, नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 6001 एंड रिमाइंडर विल बी ज़ीरो, ठीक है। सो अगेन हम इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ अब और ध्यान से समझना, ठीक है, डिवाइज़र कौन है, 13, ठीक है, और डिविडेंड में कौन है, 39,012, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, पहला नंबर लेते हैं, लेकिन ये इससे छोटा है तो हमें आज्ञा मिलती है कि दो नंबर लेके देखो, 39, क्या 39 13 से बड़ा हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, मतलब 13 की हम टेबल बोल सकते हैं। तो लेट्स काउंट टेबल ऑफ 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39 आ गया, तो लिख देते हैं कितने टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में, तो 13 3 जा 39। अब क्या करेंगे, 39 लिखने के बाद 13 3 जा 39, अब क्या करेंगे, माइनस, तो 9 में से 9 गया तो 0, सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं, 3 में से 3 गया तो 0, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब हमें क्या मिलता है, फ्री में एक डिजिट को नीचे उतारने की आज्ञा, ठीक है, तो फ्री वाला नंबर हम लिख के देखते हैं, ये हमने फ्री में एक नंबर उतारा, क्योंकि एक स्टेप पे एक नंबर आपको मिलता ही है, ठीक है, हमने उतारा तो ये क्या फॉर्म हुआ, 0, तो ये क्या है, 13 से छोटा है, एक डिजिट नीचे उतारने के बाद डिवाइज़र से छोटा है, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा ऊपर, पनिशमेंट के लिए एक 0, फीस भरनी पड़ेगी, पेनल्टी हमको लगानी पड़ेगी, ठीक है। पेनल्टी लगाने के बाद आपको ये परमिशन मिलती है कि अगर एक और पास में डिजिट है तो आप उसको नीचे उतार सकते हैं, ठीक है, तो क्या इसके पास एक और डिजिट है, हाँ है, तो हम उसको नीचे उतारेंगे 1। अब नीचे उतारने के बाद अब देखो क्या आपके पास इससे बड़ा नंबर फॉर्म हुआ, ये नंबर कौन सा फॉर्म हुआ अभी, 1, क्योंकि पहले कितने भी जीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब हमारे पास 1 है, मतलब अभी भी डिवाइज़र से छोटा है, तो फिर से पनिशमेंट मिलेगा क्योंकि हमने एक नंबर और नीचे उतारा फिर भी क्या हुआ, डिवाइज़र से छोटा, तो फिर से हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जब जितनी बार यहाँ पे छोटा नंबर फॉर्म होता है उतनी बार हमें ज़ीरो लगाना ही होता है, चाहे पास में कोई डिजिट हो या ना हो, ठीक है। अब ये ज़ीरो लगाने के बाद हमको फिर एक और मोहलत मिल गई कि आप अगर पास में कोई डिजिट है तो उसको नीचे उतारो, तो इसके पास एक और डिजिट है तो उसको हम नीचे उतारते हैं, ठीक है, कितना हो गया, 2 को नीचे उतारा तो कितना, कौन सा नंबर फॉर्म हुआ, 12 फॉर्म हुआ, ठीक है। अब फिर से देखते हैं क्या 12 13 से बड़ा है, जी नहीं, 12 भी 13 से बड़ा नहीं है, तो क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं है तो फिर से हमको पनिशमेंट देना होगा, पेनल्टी देनी होगी, ठीक है, और फिर से हमको आज्ञा मिलेगी कि अगर पास में एक और कोई नंबर है तो उसको नीचे उतारो, तो अब कोई पास में नंबर ही नहीं है तो हम नीचे उतार ही नहीं सकते, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा, क्या, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 3000। तो बच्चों ज़ीरो कब लगाना है, जब आप एक नंबर नीचे उतारने के बाद अगर वो इससे छोटा फॉर्म होता है तो अब आपको ज़ीरो लगाना है, तो हमने ज़ीरो उतारा पहले, फिर देखा तो ये ज़ीरो इससे छोटा था तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया, ठीक है, फिर हमने 1 को उतार के देखा कि अब क्या 13 से बड़ा है या छोटा है, 13 से छोटा था, फिर हमने एक ज़ीरो लगाना पड़ा हमको, फिर से हमको पेनल्टी भरनी पड़ी, ठीक है, फिर से हमको पनिशमेंट फ़ीस देनी पड़ी, और फिर हमने 2 को नीचे उतारा तो भी 13 से छोटा था तो फिर से हमें ज़ीरो लगाना पड़ा, ठीक है। और इस लास्ट एग्जांपल में क्या हुआ था, हमने जब 0 को नीचे उतारा तो इससे छोटा था तो एक ज़ीरो लगाया,
फिर हमने हमको ये आज्ञा मिली, परमिशन मिली कि आप नंबर एक और ले लीजिए। तो हमने वन को नीचे उतार दिया, तब भी 10 से छोटा रहा वन, तो हमको हमने क्या लगा दिया ऊपर एक और ज़ीरो। फिर हमको आज्ञा मिली ज़ीरो लगाने के बाद कि एक नंबर और नीचे उतार लो, तो हमने 10 नीचे उतार लिया, तो 10 ज़ीरो नीचे उतार लिया सॉरी, तो हमारा नंबर कौन सा फॉर्म हुआ 10। तो 10 फॉर्म होने के बाद हमने देखा अभी ये डिवाइजर से छोटा नहीं है, अब टेबल बोली जा सकती है, तब हमको ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट 10 वन जा 10 कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और ज़ीरो लगाना पड़ा क्योंकि तीन नंबर उतारने के बाद भी यहाँ जो नंबर फॉर्म हो रहा था वो क्या हो रहा था, डिवाइजर से छोटा, 12-13 से छोटा है, ठीक है। जितनी बार आपने नंबर उतारा है तब भी डिवाइजर छोटा हुआ है, इसलिए हमने जितनी बार डिवाइजर छोटा हुआ है उतनी बार हमने ज़ीरो लगाया है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको स्पेशली, और ये जो दोनों क्वेश्चन है अपने हाथों से खुद से सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। और अपने दिमाग को समझाइए कि मैंने ज़ीरो, आप ज़ीरो कब लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, ताकि आप फ्यूचर में कभी मिस्टेक ना करें। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे, बड़े बच्चे भी इनफैक्ट ये गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट अपना डिवीजन का क्लियर करना है, ठीक है। सो दिस वॉज आवर लास्ट लेक्चर इन द सीरीज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, एंड दीज 8 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। ये 8 क्वेश्चंस आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करके उसका फ़ोटो खींच के रात को 9 बजे से पहले स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो क्लियर योर कंसेप्ट रिगार्डिंग बेसिक मैथमेटिक्स, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगता है आपकी जहाँ भी वीकनेस है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जैसे आपको नहीं आते हैं, जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ज़ीरो वाले, ठीक है। अपने दिमाग को समझाइए कि कब आपको ज़ीरो लगाना है, ठीक है। एक बार आपको रूल्स आ गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपका जो है बेस अगर आपका मैथ्स का स्ट्रॉन्ग हो गया तो हायर क्लासेस में बस इनका एप्लीकेशन है, ठीक है, लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स एंड दिस ऑल। तो ये बेस आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और 20 तक एटलीस्ट आपको अच्छे से टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज ऑफ लेक्चर्स। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड मेक योर बेस वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स।